फिफ्थ हिंदी क्लास, योर हिंदी टीचर रेखा शर्मा। आज का टॉपिक है बेटा पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर चढ़ने के लिए जल चाहिए, पानी पीने के लिए पानी शब्द का प्रयोग करते हैं, नीर का नहीं। हाँ, कुछ पर्यायवाची ऐसे अवश्य होते हैं किसी भी स्थिति में किसी भी वाक्य में एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। जैसे आदमी, मनुष्य, रात, रात्रि। अतः पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। मीन्स एक शब्द से अनेक शब्द बनना ही एक तरीके का पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, रात को हम रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रेन, रजनी, यामिनी। ऐसे कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। कला विद्या भी होती है, हुनर भी होता है, कौशल भी होता है, गुण भी होता है। वसंत ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुपति, मधुर ऋतु। ऐसे ही सूरज को हम आदित्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, दिनेश भी कहते हैं। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग, ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आग को हम अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, हुताशन भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। कमल, वारिज, सरोज, राजीव, सरसीज। इसी प्रकार से देवता के भी तीन प्रकार हैं, देव, सुर, अमर, विबुध। जैसे पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरा इत्यादि। इसी प्रकार से नए अगर पर्यायवाची हम बनाएंगे, मित्र हो गया सखा, सहचर, दोस्त, सुहद, मीत, गगन। हम आकाश को कहते हैं, इसके भी हमने चार प्रकार बताए, नभ, व्योम, अंबर, आकाश। पुत्र को हम बेटा कहते हैं, तो बेटा के भी यहाँ पर कितने प्रकार हैं, सुत, तनय, बेटा, आत्मज, नंदन। पुत्री जो कि बेटी को कहा गया है, सुता, तनिया, आत्मज इत्यादि। ऐसे सरस्वती को भी हम शारदा कहते हैं, तो शारदा के भी हमने हंसवाहिनी, गिरा, वाणी, श्री, ये सभी हमने सरस्वती जी के नाम का बखान किया है। अब जंगल, जिसको हम वन कहते हैं, इसको अरण्य भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, और विपिन भी कहते हैं। विपिन कई बच्चों का नाम होता है, वो जंगल पे, कानन पे, अरण्य पे और वन पे विद्यमान है। सोना, जिसे हम स्वर्ण कहते हैं, गोल्ड, कुंदन, हेम, कंचन इत्यादि। माता, माँ को अम्बा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, और धात्री, जिसने हमें जन्म दिया। कुबेर, धनराज, धनपति, धनल, किन्नरेश, ये इत्यादि कुबेर, यानी धन के देवता को कुबेर कहा जाता है। पत्नी, भारिया, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी, ये सभी पत्नी के प्रकार। इसी प्रकार से चांद, समुद्र, पक्षी, पर्वत इत्यादि में नेक्स्ट पीडीएफ में भेजूंगी बेटा। ये आपको आज पर्यायवाची शब्द देखने हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। गुड लक एवरीवन, थैंक यू।